नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौजवान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ समय पहले 4 सितंबर 2018 को हमने आपको एक वीडियो बनाकर यह बताया था कि उत्तराखंड में जो है लेक्चरर के सामान्य और महिला शाखा के अंतर्गत पोस्टें आई हैं, जिसका जो है OTR के माध्यम से UKPSC की वेबसाइट पर जो है उसको फॉर्म को फिल किया जाना है। तो उससे रिलेटेड वीडियो हमने आपको बना के बताया था। तो उसी से संबंधित एक नोटिफिकेशन जो है अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट UKPSC.gov.in पर जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो वो लेक्चरर की पोस्ट आई थी उसका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो कब होना है, किन किन सब्जेक्ट का होना है और उसका एग्ज़ाम शेड्यूल क्या रहेगा और किस प्रकार से ये जो एडमिट कार्ड है ये डाउनलोड किए जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स जो है इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको ये सभी जो जानकारी है जो बताई गई है ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड किया है और इसमें यह बताया गया है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2018 जो कि विज्ञापन 4/9/2018 को जारी किया गया था, उसके प्रथम चरण में 8 विषयों, यार इनमें कौन कौन से 8 विषय हैं ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भूगोल के लिए ये जो रिटर्न एग्ज़ाम है यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा है ये आपकी 29 तारीख, 30 तारीख और 31 दिसंबर 2018 को निर्धारित कर दी गई है, यानी कि ये फिक्स है। तो दोस्तों बता दें कि इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि ये डेट प्रस्तावित है, लेकिन अब बिल्कुल कंफर्म है कि 29, 30, 31 को आपके इन 8 सब्जेक्ट जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं इनसे इनका जो प्रवक्ता संवर्ग का एग्ज़ाम है वो आपका हो जाएगा। और दोस्तों, इसका जो प्रथम चरण है इसमें सम्मिलित जो ये विषय हैं इनका जो रिटर्न टेस्ट की जो होल डिटेल है वो UKPSC.gov.in की वेबसाइट पर अवेलेबल है और ये जो एडमिट कार्ड हैं ये आपके 16 दिसंबर 2018 से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित होने भी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आप जो हैं इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। और इसमें यहाँ पे साफ लिखा है कि जो कैंडिडेट हैं उनको अलग से डाक के द्वारा प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, तो आप डाक का इंतज़ार मत कीजिएगा, ऑनलाइन इसको साइबर कैफ़े में जाके अपना जो एडमिट कार्ड है उसको निकाल लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको एडमिट कार्ड जो है उत्तराखंड की लेक्चरर के लिए वो किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। तो आपको सबसे पहले जाना है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की साइट पर जो कि है UKPSC.gov.in या UKPSC.online.in। तो यहाँ पर आपको जो है इसको गूगल सर्च करके आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चल जाना है जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की है। वहाँ पर जाकर आपको जो है इस प्रकार से ये पूरा जो है आपको नीले कलर में लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य और महिला शाखा परीक्षा 2018 के एडमिट कार्ड डाउनलोड हेतु। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपके पास एक पेज आएगा जिसमें आपको यूज़र आईडी यानी कि जो आपने OTR रजिस्ट्रेशन किया था तब आपके पास जो यूज़र आईडी आपने जनरेट की थी और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था वो आपको इसमें फिल करना है और आपको अपना OTR की तरह ही आपको जो है इसमें आपको अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा तब आपको लेफ़्ट साइड में कुछ बॉक्सेस मिलेंगे, कॉलम मिलेंगे, उसमें जो है आपको माई एप्लीकेशन जो आपका रो होगी उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक जो है विंडो आएगी जिसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना है और ईयर सेलेक्ट करने के बाद जिस पोस्ट के लिए आपने एग्ज़ाम अप्लाई किया था उस पोस्ट नेम को आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप उस पोस्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे तब आपके पास एक नीचे जो है एक आपकी सर्च रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि आपने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, तो आपको उसको ब्लू टिक करके उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा ऊपर की तरफ हॉल टिकट का, तो वहाँ पर आपको हॉल टिकट जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप हॉल टिकट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो शो हो जाएगा और प्रिंट बटन पर क्लिक करने पर आपका जो प्रिंट आउट है वो प्रिंटर से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको अपना जो एडमिट कार्ड है उत्तराखंड के लेक्चरर की पोस्ट के लिए इसको आपको डाउनलोड करना है। और बता दें दोस्तों, इसमें जो 8 विषय दिए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए डाउनलोड जो है अभी जारी किए गए हैं और बाकी जो इसमें अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए अभी एग्ज़ाम ये नहीं हो रहा है, तो फिजिक्स के लिए अभी आपका एडमिट कार्ड जनरेट
नहीं होगा। इन्हीं जिन 8 विषयों के लिए एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए होगा, और जो बाकी सब्जेक्ट होंगे उसका चरण 2 में ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम शेड्यूल क्या रहने वाला है, यानी कि किस तारीख को क्या एग्ज़ाम होगा, यानी कि डेट शीट। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो उत्तराखंड लेक्चरर का एग्ज़ाम है वो 29 से स्टार्ट हो रहा है दिन शनिवार को, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है कि 29/12/2018 को शनिवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे यानी कि 2 घंटे आपका ये एग्ज़ाम आपका दिया जाए आपका होगा, और ये विषय कोड 52 और अंग्रेजी का एग्ज़ाम जो है आपका 29/12/2018 को शनिवार को होना है 10 से 12 बजे। और उसी दिन 29/12/2018 को शनिवार को आपका द्वितीय सत्र में जो है 2 से 4 बजे जो है आपका विषय कोड 51 जो है हिंदी के लिए आपका एग्ज़ाम होना है, यानी कि 29 तारीख को आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, एक आपका अंग्रेजी का होगा एक हिंदी का होगा। तो जिसने अंग्रेजी के लिए पोस्ट किया अंग्रेजी के लिए अप्लाई किया होगा उनका सुबह 10 से 12 होगा, और जिन्होंने हिंदी के लिए अप्लाई किया होगा उनका जो है 2 से 4 होगा। पोस्ट कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी का 52 है और हिंदी का 51 है। उसके बाद अगले दिन यानी कि 30/12/2018 जो कि संडे है उस दिन आपका प्रथम सत्र यानी कि फर्स्ट पाली में सुबह 10 से 12 बजे आपका 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, एक गणित का और एक भूगोल का, यानी एक मैथ्स का और एक ज्योग्राफी का। गणित का जो कोड रहेगा मैथ्स का वो 56 रहेगा और ज्योग्राफी का कोड 61 रहेगा। तो इन दोनों के जो आपके एग्ज़ाम हैं ये 30/12/2018 को सुबह 10 से 12 बजे के बीच होंगे। उसके बाद उसी दिन 30/12/2018 रविवार को ही द्वितीय सत्र यानी कि सेकंड पाली में 2 से 4 बजे आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जिसका पोस्ट कोड 57 है इसका आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इससे अगले दिन 31/12/2018 यानी कि सोमवार को फर्स्ट पाली यानी प्रथम सत्र में सुबह 10 से 12 बजे में आपका संस्कृत जिसका पोस्ट कोड 53 है और केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र जिसका पोस्ट कोड 55 है इसका एग्ज़ाम होगा। तो यानी कि 31/12 को सुबह 10 से 12 बजे आपके 2 एग्ज़ाम संस्कृत और रसायन शास्त्र के होंगे, जिसने जो भरा होगा वही एग्ज़ाम देगा। और इसी प्रकार उसी दिन सेकेंड पाली में 31/12/2018 सोमवार को ही समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी का पोस्ट कोड 62 के जो है इसका इसके लिए आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका एग्ज़ाम शेड्यूल रहने वाला है जो आपके लेक्चरर की पोस्ट है उसके शुरू के 8 सब्जेक्ट के लिए। बाकी जो सब्जेक्ट इसमें रह जाएंगे उसके लिए अलग से आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जैसे ये किया गया है, और उसमें आपकी एग्ज़ाम डेट वगैरह भी बताई जाएंगी। तब तक हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे और हमारे फेसबुक पेज में भी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आप हमारे फेसबुक पेज को जो है जरूर लाइक और फॉलो जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।